Hello, my dear children. In this video, we are going to see our second chapter of geography, in which we are going to start the comparison of our country, India, with another democratic country, that is Brazil, which is totally situated in an other hemisphere. See, here we have been given the flags of these two countries. देखो क्या लिखा है देखते हैं. The heading is location and extent. Location means कौन से एरिया में अर्थ के ऊपर कहाँ पर ये दोनों कंट्री स्थित है. अर्थ में कहाँ पर ये दोनों कंट्री है, दैट मीन्स कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक और कौन से लॉन्गिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड तक इसका एक्सटेंशन है, दैट इज एक्सटेंट. लोकेशन मतलब उसका पोजीशन और एक्सटेंट मतलब उसके जो एरिया कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं. फ्यू हिंट्स एंड द फ्लैग्स ऑफ टू कंट्रीज आर गिवन बिलो. यूजिंग देम आइडेंटिफाई दीज टू कंट्रीज. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई वन ऑफ देम and hope you can easily identify the other two. वैसे तो मैंने ऑलरेडी बताया कौन से दो कंट्रीज़ का फ्लैग दिया हुआ है. सवाल यहाँ पर दिया कि दो कंट्रीज़ का फ्लैग दिया है और कुछ क्लूज दिए हैं फ्लैग्स के नीचे. आपको ये क्लू के मदद से आपको बताना होगा कि ये दोनों कौन से कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं. फर्स्ट वाला तो हमारे नींद में भी हमारे सपने में भी सब रहने वाला फ्लैग है, क्योंकि हमारा प्यारा सा फ्लैग है, हमारा ट्राई कलर. तो पहला इंडिया का फ्लैग हो गया. सेकंड वाला क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया, इट इज़ ऑफ ब्राज़ील. सो चलो क्या क्या क्लू दिया है वो देखते हैं. इंडिया का फ्लैग के लिए जो क्लू है वो है द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना होता है. उसके जस्ट सेकेंड रैंक में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री दैट वी नो इट इज आर इंडिया. फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में स्पाइस के लिए, स्पाइस यानी मसाला, स्पाइस यानी वो चीज़ें जो हमारे खाने में फ्लेवर टेस्ट बढ़ाते हैं. तो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पाइस प्रोड्यूस करने वाला कंट्री या स्पाइस के नाम पे सबसे ज़्यादा फेमस जो देश है वो, दैट इज़ इंडिया. क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर. ये देश में क्रिकेट सबसे ज़्यादा या एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स है, दैट इज़ इंडिया. अब दूसरा मैप जो दिया, सॉरी दूसरा फ्लैग जो दिया उसके लिए उसको पहचानने का क्लू. फेमस फॉर सांबा डांस. ये देश सांबा डांस के लिए बहुत ही फेमस है, ब्राज़ील. नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये देश को कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. आंसर है ब्राज़ील. फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर. यहाँ फुटबॉल सबसे फेमस स्पोर्ट है. आंसर इज ब्राज़ील. नेम ऑफ द कंट्री, अभी एक एक को सेपरेट पढ़ने जा रहे हैं. नेम ऑफ द कंट्री, दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन द ईयर 1950, यू नो दैट. नेम ऑफ द कैपिटल, न्यू दिल्ली. लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्री. लोकेशन यानी कहाँ पर अर्थ में कौन से पोजिशन में यह है, कौन से जगह में यह है, और एक्सटेंट मैंने बताया. बाउंड्री मीन्स इनके चारों बॉर्डर्स में कौन से कंट्रीज है या फिर कौन सा सी है वगैरह वगैरह. ओके, इनके चारों बॉर्डर में क्या क्या है. इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. इंडिया इन दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ एक कंट्री है. अर्थ को चार कॉन्टिनेंट में डिवाइड, सॉरी चार हेमिस्फीयर में डिवाइड किए हुए हैं. अर्थ के
ऊपर इमेजिनरी कुछ लाइंस है, रियल नहीं, इमेजिनरी। ये लाइंस क्यों बने हुए हैं? काफ़ी कुछ स्टडीज करने के लिए, एक एक एरिया का पोजिशन को, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, इवन टाइम को डिसाइड करने के लिए वगैरह ये लाइंस बने हुए हैं। तो आपको ये लाइंस का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ। अर्थ का एक छोटा रूप हमने बनाया हुआ है स्टडीज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए, दैट इज़ ग्लोब, बराबर। तो ये अर्थ का एक इमेज है या ग्लोब है। इस ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइंस हमने बने हैं, बनाया है। ये देखिए, अर्थ के एकदम सेंटर से एक लाइन है, इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर का डिग्री होता है, दैट इज़ ज़ीरो डिग्री। इक्वेटर का डिग्री ज़ीरो डिग्री है। इक्वेटर के ये जो साइड होते हैं ये नॉर्थर्न साइड है, और ये नीचे जो होता है ये साउथर्न साइड है। नॉर्थर्न इस वजह से देखो, इक्वेटर की वजह से अर्थ ऊपर का एक हिस्सा अलग, नीचे का एक हिस्सा अलग बनता है। अर्थ दो हिस्से में बढ़ता है, किसके वजह से? इक्वेटर की वजह से। जो ऊपर की तरफ जो हिस्सा है दैट इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे जो हिस्सा है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर की वजह से दो हेमिस्फीयर बना अर्थ का। उसके अलावा दूसरे लाइंस इस तरह बनता है हॉरिजॉन्टली, अभी देखा हमने, अभी ये वर्टिकली इस तरह भी अर्थ के ऊपर लाइंस बनते हैं। इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। पहले हमने जो देखा था वो हॉरिजॉन्टल था, वो लेंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं। आपको एक बार और दिखाती हूँ, ये जो लाइंस है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इस तरह। ये लेंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं, और उसमें जो सेंटर है ये वाला उसको इक्वेटर कहते हैं, और ये बाकी पूरे लैटिट्यूड्स, ये मिडिल जो लैटिट्यूड है उसको इक्वेटर। तो इक्वेटर की वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर बनता है। और अभी लॉन्गिट्यूड का जो लाइंस है ये वर्टिकल लाइंस है। देखो ऊपर से नीचे की तरफ नॉर्थ पोल्स, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल या साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। उनमें जो सेंटर वाले है दैट इज ये वाला ज़ीरो डिग्री वाला, ओके। इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं या फिर ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच नाम का जगह से गुजरता है। और इसके राइट साइड जो है दैट इज ईस्ट, ओके, और इसके लेफ्ट साइड जो है दैट इज वेस्ट। तो प्राइम मेरिडियन के यानी ये जो लाइन है जीरो डिग्री के टुवर्ड्स राइट साइड, जितने भी अर्थ का आधा हिस्सा होता है दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और टुवर्ड्स वेस्ट में जितने भी अर्थ का हाफ हिस्सा होता है दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो प्राइम मेरिडियन या जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड के वजह से अर्थ दो राइट और लेफ्ट साइड में हाफ हाफ होता है, वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द अदर वन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरह अर्थ को चार हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, वर्टिकली डिवाइड करके ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। अभी ये इमेज में देखो, यहाँ पर सभी लैटिट्यूड्स, मतलब सभी नहीं है, बहुत ही कम लैटिट्यूड्स भी दिए हुए, लॉन्गिट्यूड्स भी दिए हुए, लैटिट्यूड्स भी है लॉन्गिट्यूड्स भी है। सपोज हमें कोई एक प्लेस को लोकेट करना है, यहाँ पे एक कंट्री है, सोच लीजिए यहाँ पे एक कंट्री है, ये कंट्री को लोकेट करना है, तो हम किस तरह लोकेट करेंगे? हम बोलेंगे ज़ीरो डिग्री लैटिट्यूड में है, और ये वाला जो डिग्री रहेगा वो डिग्री लॉन्गिट्यूड में, यानी ये भी बताएंगे ये भी बताएंगे, दोनों जहाँ पे क्रॉस होता है जिस तरह ग्राफ है, तो वहाँ पर वो प्लेस का लोकेशन होगा, वो प्लेस वो एरिया में स्थित होगा, ठीक है। और कॉन्टिनेंट बताना है, सपोज कोई एक कंट्री इस कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पर है, ओके, तो हम उसको इक्वेटर के हिसाब से देखेगा तो वो कौन सा हेमिस्फीयर में हो गया? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, साउथ में, साउथ में बिल्कुल नहीं। और अभी प्राइम मेरिडियन के हिसाब से बोलोगे तो कौन सा, मतलब ईस्ट में है क्या वेस्ट में? एट अ टाइम वी हैव टू से अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड एंड अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड टू। अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कुछ आइडिया आपको मिला होगा,
वैसे भी ये जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह आप छोटे क्लासेस में स्टडी किए हुए हैं, तो इंडिया इंडिया का थोड़ा हिस्सा या इंडिया ना, अगर इक्वेटर के हिसाब से देखोगे तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखोगे तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो हम बताएंगे कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एंशियंट कॉन्टिनेंट। पूरे अर्थ में जितने भी ज़मीन हैं उसको 7 कॉन्टिनेंट में बटे हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। आप ये भी जानते हैं एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका वगैरह वगैरह, तो इनमें से एशियन कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ पार्ट में इंडिया लोकेटेड है। तो इंडिया इज इन विच कॉन्टिनेंट? इंडिया इज इन द एशियन कॉन्टिनेंट। नाउ विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.1 फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। हमें मैप देखना है दिया हुआ, वो मैप के मदद से इंडिया का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, इंडिया कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक है और कौन से लॉन्गिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का एरिया फैला हुआ है, ये हमें बताना है। फिल इन द डिग्रीज वैल्यूज, डिग्री वैल्यूज इन डिग्रीज इन ब्लैंक्स, मीन्स कौन से, देखो यहाँ पर दिया डैश डिग्री 4 मिनट, ये देखो ये छोटे से डैश जो दिख रहा है मिनट पढ़ते हैं, डिग्री को और जैसा हम किलोमीटर को और छोटे में करोगे तो मीटर, मीटर को और छोटे करोगे तो सेंटीमीटर, इस तरह मेशर करते। समझो कि हमने कोई चीज़ का वजन किया, वो चीज़ का वजन 1 किलोग्राम, 200 ग्राम और 50 मिली है, तो नॉर्मली तो हम बोलेंगे चलो ये 1 किलोग्राम के आसपास है, ये 1 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, नहीं मुझे वो एक्यूरेट मेशर चाहिए, तो बोलेंगे ये इसमें 1 किलोग्राम भी है, 1 किलोग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब समझो एक 200 ग्राम ज़्यादा है, अगर मिली के हिसाब से भी कैलकुलेट करेगा तो एक 50 मिली भी ज़्यादा है, तो ये एक्यूरेट हो गया हमारा, मतलब 1 किलोग्राम एक्सैक्ट नहीं है, 1 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा, दैट इज़ 200 ग्राम ज़्यादा, 200 ग्राम ही है क्या, और एक और ग्राम नहीं है, नहीं आधा ग्राम और बाकी, यानी कि 50 मिली और ज़्यादा है, तो दैट इज़ द एक्यूरेट मेशर। इसी तरह डिग्री को और छोटे करेंगे, डिग्री से छोटा यूनिट है मिनट, मिनट से छोटा यूनिट है सेकंड, जिस तरह हमारा टाइम है, ओके, तो वैसे टाइम का ही सेम एक्सैक्ट समझो, क्योंकि टाइम भी ये लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, मतलब अर्थ के ऊपर का लाइन पर डिपेंडेड रहता है, तो हम बोलेंगे कोई एक एक्सैक्ट टाइम बताना है तो हम बोलेंगे 3:04 और 5 सेकंड हुए, इस तरह हम बात करते हो ना, वैसा डिग्री में भी अर्थ के ऊपर कोई एरिया का पोजिशन बताते टाइम या फिर कोई एरिया का एक्सटेंट बताते टाइम हम इस तरह बोलते हैं डैश डिग्री डैश मिनट डैश सेकंड, तभी वो एक्सैक्ट पोजीशन होता है। तो इंडिया का जो एक्सटेंट है वो इस तरह हमें बताना है, डैश डिग्री डैश के जगह आपको फिल करना है मैप देखने के बाद, और 4 मिनट इतना नॉर्थ एन दिया हुआ है, एन का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 2:06 नॉर्दर्न, मतलब 2 लैटिट्यूड है, वो 2 लैटिट्यूड में अर्थ का एक्सटेंशन है, एक्सटेंड किया हुआ है, सॉरी अर्थ ने इंडिया अर्थ के ऊपर, और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनली भी हमें बताना है उसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके लिए हमें मैप पहले देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी द मैप, इंडिया का मैप यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, चलो उसको थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं इंडिया का मैप में, पहले नॉर्दर्न साइड में जाते हैं इंडिया का एक्सटेंट देखने के लिए, ओके, यहाँ पर आपको इंडिया का जो टिप है वो दिखाई देगा, ओके, दिस इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया करीब यहाँ पर, ओके, ये कौन से डिग्री में आए आप यहाँ पर देख सकते हो, 36 से थोड़ा सा आगे, बराबर है, यहाँ से 32 है तो आगे आगे जाते जाते डिग्री बढ़ रहा है, यहाँ पे 36 डिग्री आपको मार्किंग किया हुआ है, तो ये करीब 37 होगा, बराबर, तो 37 डिग्री एंड कुछ मिनट्स भी होंगे आगे, तो हमारे जो सेंटेंस है जो अभी हमने रीड किया उसमें हमें दिया हुआ था डैश डिग्री 6 मिनट करके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अभी उस साउथ में आओगे तो क्या एक्सटेंट है देख लेते हैं, सदर्न साइड में जाते हैं हम, सदर्न साइड ये हुआ, सदर्न साइड में हम चेक करोगे तो
ये देखिए इंडिया, इंडिया का ये टिप है, ये कौन से 8 डिग्री लैटिट्यूड में है, साउथ साइड में, बराबर है। पर ये अभी भी कौन से ही हेमिस्फीयर में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही है, साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, क्योंकि ये पूरे जो डिग्री हमें दिखाई दे रहा है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का डिग्री है, 4 डिग्री 8 डिग्री जैसे जो ऊपर ऊपर जा रहा है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। और ज़्यादा नीचे आओगे तो हमें 0 डिग्री लैटिट्यूड मिलेगा, दैट इज इक्वेटर, और उसके भी नीचे जाओगे तो साउथर्न हेमिस्फीयर चालू होता है। तो इंडिया पूरे के पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने साउथ साइड में आने का मतलब है इंडिया के साउथ साइड में, नॉर्थ द इक्वेटर के साउथ साइड में, ठीक है। तो ये 8 डिग्री और समझो 4 जिस तरह हमें दिया हुआ डैश डिग्री 4 मिनट करके हमारा अभी का सेंटेंस में दिया था, तो उधर हमें लिख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। ये हुआ हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, दोनों नॉर्थ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये दोनों एक्सटेंड को याद रखना, इंडिया का टॉप साइड भी और बॉटम साइड भी दोनों नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो कौन से डिग्री के बीच में हो गया ये, एक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ साइड में और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। चलो वापस से हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में हम जाते हैं सेंटेंस में, यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट एंड नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पैरेलल, सो नॉर्थ पैरेलल या नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी हमें ईस्ट वेस्ट यानी लेफ्ट टू राइट वो डिस्टेंस देखना है। चलो वापस में मैप में जाते हैं, अगेन द मैप ऑफ इंडिया, अभी वापस उसको जूम किया, इंडिया का लेफ्ट मोस्ट टिप जो है लेफ्ट साइड का टिप यहाँ पर आया, ओके, और राइट साइड का टिप हम जूम करके इस तरफ करेंगे तभी हमें दिखेगा। पहले इसका एक्सटेंशन देखते हैं, यहाँ ये एरिया का आप यहाँ पर ऊपर आओगे तो डिग्री क्या दिखा रहा है, 68 डिग्री, उसी 68 डिग्री के लाइन में हमारा लेफ्ट साइड इंडिया का है, देखिए है ना, वही 68 डिग्री आकर लेफ्ट साइड को टच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 68 डिग्री 7 मिनट है, क्योंकि 7 मिनट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है इस मैप में से, देखिए हम मिनट तो नहीं एज्यूम कर सकते क्योंकि इधर मिनट का लाइन्स मार्किंग नहीं है, वो भी वैसा भी डिग्री का भी सभी लाइन्स तो मार्किंग नहीं है, हर पास पास का डिग्री हमें इधर नहीं दिया हुआ है, बराबर। यहाँ पे देखो 24 डिग्री के बाद सीधे 28 डिग्री दिया हुआ है, बीच का डिग्रीज को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। और टूवर्ड्स द राइट साइड अगर आप जाओगे तो इंडिया का एकदम राइट मोस्ट पार्ट यहाँ पर आया, ये देखो यहाँ, बराबर। तो वहाँ का डिग्री आपको चेक करना है तो उधर से ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर ऊपर जाओगे तो करीब इधर है यानी 96 के थोड़ा आगे, सो वी कैन से दैट 97 डिग्री और 25 मिनट तो हमें दिया हुआ है। तो चलो वापस से हम वो फिल इन द ब्लैंक्स में जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया था 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे लिख दिए थे 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पर लैटिट्यूड के हिसाब से हम डिस्टेंस देखोगे तो अभी जस्ट हमने देखा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो दिस इज द एक्सटेंड ऑफ इंडिया, ओके। आगे बढ़ते अभी इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इंडिया का साउथर्न मोस्ट टिप उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इट इज़ लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 नॉर्थ पैरेलल, 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल। अभी आप देखोगे यहाँ पर इंडिया का एक्सटेंड बताया नॉर्थ और नॉर्थ साउथ डिस्टेंस में 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन यहाँ पर बोल रहे इस इंडिया का सबसे नीचे का हिस्सा साउथर्न मोस्ट यानी एकदम साउथ साइड का पॉइंट कौन सा है, 6 डिग्री 45 मिनट। ये किस तरह हुआ, इंडिया का अगर नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट में जाओगे तो आपने देखा 8 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे 6 डिग्री कैसा इंडिया का हुआ वो अभी देखते हैं वापस से। चलो मैप में यहाँ इंडिया का साउथर्न मोस्ट पार्ट, ये जो मैंने पहले दिखाया था हमने जो डिग्री मेशर करने के लिए, दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। अभी जो इंदिरा पॉइंट का बता रहा है ये, तो ये पार्ट 8 डिग्री नॉर्थ में ही है, ये जो लाइन है 8 डिग्री वाला है, तो इसके लिए हमने वो एक्सटेंट ऐसा लिखा कि 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन 6 डिग्री कहाँ पर आया, क्योंकि
इंडिया को और आगे जाओगे तो इंडिया में कुछ आइलैंड्स है, ये देखिए इंडिया का आइलैंड्स है यहाँ पर, बराबर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट साइड में भी है, लक्षद्वीप आइलैंड्स भी है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी इंडिया का ही हिस्सा है। उसमें सबसे एकदम लास्ट पॉइंट जो होता है वो आएगा 6 डिग्री में। तो इंडिया का जो मेन लैंड के बारे में सोचोगे तो 8 डिग्री में ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंडिया का आइलैंड्स जो है उसको देखोगे तो ये 6 डिग्री तक जाता है, क्योंकि कई ए एरिया में आता है, बराबर। तो इंडिया का एकदम नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट अंडमान निकोबार का हिस्सा है, वो उस एरिया को कहते हैं, एकदम लास्ट, एकदम नीचे का जो पार्ट है इंडिया का, उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। टेक्स्ट बुक में भी हमें एक टेबल दिया हुआ है, इंडिया के बॉर्डर में चेक करना है क्या क्या इंडिया के बाउंड्री है। चलो लेट अस सी इंडिया के बाउंड्री क्या क्या है। इंडिया के नॉर्थर्न साइड में जाओगे तो कंट्रीज है, बराबर, लैंड है। यहाँ पर एक कंट्री हो गया पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर में, और एक थोड़ा सा बॉर्डर अफगानिस्तान का भी इंडिया के साथ शेयर हो रहा है, देखो ये बॉर्डर। और यहाँ पर आओगे तो चाइना है, नेपाल भी इंडिया का बॉर्डर शेयर कर रहा है, और भूटान भी इंडिया का बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर शेयर कर रहा है, बराबर। तो ये सभी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हो गए। और सदर्न साइड में जाओगे तो यहाँ पर श्रीलंका है, इंडिया के करीब का एक कंट्री, और यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, नीचे एरिया में इंडियन ओशन का भी प्ले थोड़ा सा एरिया से। तो ये हुआ इंडिया का बॉर्डर। तो ये जो दिया हुआ बॉक्स है उसको आप आसानी से अभी फिल कर सकते हो। ईस्ट साइड में, इंडिया के ईस्ट साइड में क्या क्या आपने देखा वो लिखना है, नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, और साउथ में क्या है। ओके, यू हैव टू फिल एंड गिव मी, क्योंकि मैंने पूरे एरिया बताया क्या क्या नेबरिंग कंट्रीज है। आपको सिर्फ क्या करना है, कौन से डायरेक्शन है, नॉर्थ है क्या, ईस्ट है क्या, साउथ है क्या, वेस्ट है, ये देखना है। उस डायरेक्शन में आपने बॉर्डर में क्या देखा उसको फिल करना है। अभी हम वो कंट्री के बारे में स्टडी करना है जिसका कंपैरिजन हमारे देश के साथ, इंडिया के साथ किया हुआ है। नेम ऑफ द कंट्री इज फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। नेम ऑफ द कैपिटल ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील कंट्री का कंपैरिजन हमारे इंडिया के साथ कर रहा है, और यहाँ ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज। सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया पूरे के पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में था, वो जगह में ब्राज़ील को अगर कंपेयर करोगे, ब्राज़ील का देखोगे तो ब्राज़ील का थोड़ा सा हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इसका मतलब ब्राज़ील के अंदर से इक्वेटर जाता है, बराबर। ब्राज़ील का कुछ एरिया पूरे के पूरे इक्वेटर में है। नाउ ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और हमारा इंडिया था एशियन कॉन्टिनेंट में, बराबर। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पूरे हैं, ब्राज़ील वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ओके, और इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द फिगर, दैट मीन्स मैप दिया हुआ है ब्राज़ील का भी, फाइंड द एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक्सटेंट देखना है। फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन ब्लैंक स्पेसेस, डैश डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू डैश डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड्स and between dash degree 45 minute west to dash degree 48 minute west longitudes. तो ये आपको अभी मैप में देकर फिल करना है। और उसके बाद ऑब्जर्व द फिगर एंड आइडेंटिफाई ब्राज़ील्स नेबरिंग कंट्रीज एंड ओशंस। फिल इन द चार्ट गिवन बिलो इन योर नोटबुक। तो जैसे हमारा इंडिया के साथ हमने देखा, मैप देखने के बाद उसका नेबरिंग कंट्रीज, आसपास के कंट्रीज क्या, उसके बॉर्डर पूरा देखना है क्या क्या ओशंस है, ये हमारा दिया हुआ टेबल में फिल करना है। यहाँ पर ब्राज़ील का एक मैप दिया हुआ है, जिस तरह हमने इंडिया का चेक किया था वैसे ये मैप को भी चेक करोगे तो आपको इसका ईस्ट वेस्ट यानी लेफ्ट टू राइट डिस्टेंस देखने का है। मतलब वेस्ट जो हमें डैश डिग्री 45 मिनट वेस्ट जो दिया हुआ वो अगर चेक करेंगे आप तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप जाइएगा, इधर डिग्री इस साइड से बढ़ते जा रहा है। तो पहले हम यहाँ का बताएंगे, फिर उसके बाद यहाँ जाओगे तो इसका
के जो बॉर्डर है करीब ये एरिया में है, एरिया से इस ऐसे ऊपर जाओगे तो इसका जो यहाँ का डिग्री है 33 डिग्री, ओके 35 से थोड़ा सा और पहले, लेट्स सी ये आएगा 33 डिग्री 45 मिनट साउथ पैरेलल, सॉरी साउथ लॉन्जिट्यूड, जस्ट अ मिनट, 33 नहीं है, आपको और थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, ये करीब करीब 34 डिग्री में आए हैं, 34 डिग्री 45 मिनट, और ये साइड में जाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 है एकदम टिप में, ये देखो 70 से थोड़ा सा और ज़्यादा, बराबर, तो 70 to 73 तक जाएगा, और ऊपर नॉर्थ साउथ डिस्टेंस में देखोगे तो ये इसका टिप रीजन है, तो इधर का डिग्री देखोगे तो 5 डिग्री है, तो ये एक्यूरेट मालूम पड़ रहा है, डायरेक्ट 5 डिग्री, और नीचे जाओगे तो ये आपको 30 से थोड़ा ज़्यादा, बराबर यहाँ पर टिप है, तो ये आया करीब 33 32 33, सो लेट्स फिल द सेंटेंस, फिल द डैश देयर, यहाँ पर फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन ब्लैंक स्पेस, डैश डिग्री 15 मिनट्स, सो विल राइट 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, और लैटिट्यूड ये एक्चुअली लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस हो गया, और अभी लॉन्जिट्यूड को देखेंगे तो 34 डिग्री 45 मिनट से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट तक, ठीक है, अभी ब्राज़ील का नेबरिंग कंट्रीज़ को देखना है, लेट्स गो बैक अगेन टू द मैप, सी यहाँ पर ब्राज़ील का बॉर्डर के पास आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो कंट्रीज है वो आपको दिखाई देगा, ये देखिए कोलंबिया है, पेरू, बराबर, बोलीविया, और राइट साइड में जाओगे तो क्या है आपके पास, ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, सो यू प्लीज़ चेक द मैप, यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन है, बराबर, तो आपको दिया हुआ जो टेबल है उसको फिल करना, ये मैप को देखकर टेबल दिया हुआ एक बार वापस देखते हैं हम, ब्राज़ील के नॉर्थ साइड में क्या क्या है कंट्रीज ओशंस जो कुछ भी, वेस्ट साइड भी देखना है, साउथ में और ईस्ट में, और ये आपको फिल करनी है, ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी फेमिलियर टू अस, इंडिया पहले ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी मीन्स 150 ईयर्स करीब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर थे, और इंडिया को आज़ादी मिला 1947 में, डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर्स, फैमाइन सिचुएशंस इन वेरियस पार्ट्स एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, डिस्पाइट फेसिंग मतलब बावजूद, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद, जैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या हम फेस किए, बड़े बड़े 3 वॉर और फैमाइन सिचुएशन मतलब अकाल पड़ना, पानी खाना वगैरह नहीं होने का कोई सिचुएशन, और इस तरह बहुत सारे इश्यूज इंडिया फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने झेला, बट स्टिल फिर भी उसके सभी के बावजूद इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट डेवलपमेंट के क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट के कदम को छूने वाले एक कंट्री है इंडिया, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू, ग्लोबल मार्केट मीन्स पूरे वर्ल्ड इंडिया में मार्केटिंग करते हैं, इंडिया के साथ मार्केटिंग करते हैं, तो इंडिया एक मेन ग्लोबल मार्केट है, बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप, बार बार टाइम टू टाइम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक स्टाइल में या दूसरे देश के साथ जो बिजनेस वगैरह है उसमें हम कंटिन्यूस रिफॉर्मेशन करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, तो इंडिया का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
The proportion of youth in India's population is high. Because of this, forms a major part of a working population. India is looked upon as a young country. इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी पब्लिक इंडिया में रहते हैं, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब जैसे समझो एकदम छोटे बच्चे का काउंट निकालो, यंग जनरेशन का काउंट निकालो और ओल्ड एज जनरेशन का काउंट निकालोगे तो ये काउंट में सबसे ज़्यादा काउंट आता है, सबसे ज़्यादा गिनती यंग जनरेशन का आता है. नौजवान लोग इंडिया में ज़्यादा लोगे बच्चों से और बूढ़ों से कंपेयर करोगे तो. इसका मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, काम करने लायक और काम करने वाले एनर्जेटिक लोग इंडिया में ज़्यादा है. इसीलिए इंडिया को एक यंग कंट्री इस तरह कंसिडर करते हैं. अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील देखते हैं, यही सेम कंपैरिजन ब्राज़ील के साथ. फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल. जिस तरह इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, वैसा ऑलमोस्ट करीब ज़्यादा 3 सेंचुरी से ज़्यादा, 300 साल से भी ज़्यादा ब्राज़ील पोर्चुगीज लोगों के कंट्रोल में थे. इंडिया में भी पोर्चुगीज लोग आए थे, कुछ एरिया लोगों ने गोवा दमन दीव गोवा ये सभी प्लेस गोवा डैमन दीव ये सभी जगह सॉरी पोर्चुगीज के कब्जे में थे. इवन ब्रिटिश लोग इंडिया छोड़कर जाने के बावजूद भी उसके बाद भी पोर्चुगीज इंडिया में रूल करते रहे. तो ये पोर्चुगीज लोगों के कब्जे में था ब्राज़ील कुछ 300 साल तक. Brazil gained its independence in 1822. India ko azadi 1947 mein mila. Brazil 1822 mein azadi paya. From 1930 to 1985, for more than a half century, it was under the populist military government. So Brazil ko ek democracy banne ke liye, democratic government ke haath mein jaane ke liye kafi time laga. 1930 se leke 1985 tak ब्राज़ील में पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट चला. इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी. लेट 20th सेंचुरी मीन्स 20th सेंचुरी के लास्ट एरिया में गया हुआ 20th सेंचुरी में. अभी ये 21st सेंचुरी चल रहा है. 20th सेंचुरी में यहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टी हुआ. फाइनेंशियल डिफिकल्टी मतलब पैसे के मामले में आर्थिक स्थिति इसका बहुत ही कंडीशन ख़राब था. Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in the future. Aaj ke zamane mein Brazil ko consider karta it is a main contributor to the economic growth of the world. Duniya ke economic growth mein aarthik sthiti ya paise ke mamle mein world ka jo growth hai usme Brazil ka bahut hi acha contribution hai, acha yogdan hai. Yani Brazil ke taraf se world market mein bahut acha paisa aata hai aur ek सभी कंट्रीज ब्राज़ील को एक फ्यूचर मार्केट के तरीके से या नज़र से देखते हैं. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है. नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. कलर ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेम देम. ड्रॉ द इक्वेटर ऑन अ मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्रीज. शो द सिंबल ऑफ डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पर फिगर 2.3 दिया हुआ. लेट्स सी दैट फिगर. वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है. ओके, यहाँ पर आप इंडिया देख सकते हो. ओके, और इसको किसके साथ कंपेयर करना है? ब्राज़ील के साथ. ब्राज़ील के साथ कंपेयर करना है. यहाँ पर हमारा इंडिया हुआ, यहाँ पर ब्राज़ील है. ओके, बाकी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अभी आपका, इस मैप को देखकर आपको ये दोनों कलर भी करना है. और उसके बाद क्या क्या पूछा है हमसे एक बार देखते हैं. सभी कॉन्टिनेंट का नाम लिखना है और सभी ओशंस का नाम लिखना है विद द हेल्प ऑफ दिस मैप. वैसे तो कॉन्टिनेंट आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. ओके, 4 मेन ओशंस होते हैं, पैसिफिक एटलांटिक वगैरह. और इक्वेटर को इस मैप में आपको ड्रॉ करना है और उसके डिग्री, इक्वेटर का डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री. और डायरेक्शन भी दिखाना है. मैप में डायरेक्शन किस तरह दिखाएंगे? डायरेक्शन मैप में दिखाता है इस तरह, एरो मार्क के मदद से लिखते हैं. और ये एन होता है, मीन्स टूवर्स दिस साइड इज़ नॉर्थ, टूवर्स दिस साइड इज़ साउथ. ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट. सो दिस वर्क शुड बी डन इन अ वर्ल्ड मैप. और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट इंडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. सो इफ़ यू सर्च इन
इंटरनेट यू विल गेट दिस आंसर. पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के बाद इंडिया का और ब्राज़ील का क्या सिचुएशंस था, और द इम्पीरियल पावर ऑफ पावर विच रूल्ड ब्राज़ील ऑल्सो रूल्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया. मैंने आपको ये बताया ब्राज़ील को रूल कौन किए थे, पोर्चुगल. तो पोर्चुगीज के अंडर हमारा इंडिया का भी कुछ पार्ट्स थे, जैसे गोवा, डैम एंड ड्यू वगैरह आपको मैंने बताया. तो ये पार्ट्स क्या क्या है करके आपको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट व्हेन दैट पार्ट ऑफ इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस. वो पार्ट को, यानी ये जो पोर्चुगीज के कंट्रोल में जो इंडिया का पार्ट्स थे, वो पार्ट्स को कभी आज़ादी मिला, दैट ऑल्सो यू कैन गेट इन द इंटरनेट. ओके, फाइंड आउट दोस आंसर्स एंड टेल मी. क्योंकि मैंने ये बताया आपको कि इंडिया को आज़ादी मिलते टाइम, ब्रिटिश लोगों से आज़ादी मिलते टाइम पोर्चुगीज लोगों ने इंडिया नहीं छोड़े थे, उसके बाद इंडिया को पोर्चुगीज से आज़ादी मिला. सो यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम. नाउ वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन ऑगस्ट 15 बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन ऑगस्ट 15th ऑफ 1947, वेयर एज ब्राज़ील सेलिब्रेट्स हर इंडिपेंडेंस डे ऑन सेप्टेम्बर 7. ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे सेप्टेम्बर 7 में है. इंडिया का तो आप आसानी से याद रखेंगे, और ब्राज़ील का याद रखने के लिए आप टीचर्स डे का दो दिन बाद इस तरह याद रख सकते हो. टीचर्स डे सेप्टेम्बर 5 होता है, वो तो आप लोग याद रखते ही हैं. तो उसके बाद दो दिन बाद ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे है, दैट इज 7th सेप्टेम्बर. इंडिया हैज़ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज ब्राज़ील हैज़ फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. मतलब इंडिया का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और ब्राज़ील का प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, यानी डिसीशन प्रेसिडेंट लेता है. द नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम द पॉ ब्राज़ील, अ लोकल वुड ट्री. ब्राज़ील का नाम जो है वो उधर का एक लोकल ट्री, यानी एक नॉर्मल ज़्यादा पाए जाने वाला एक ट्री का नाम से बने हुए ब्राज़ील, वो ट्री का नाम है पॉ ब्राज़ील. So my children, this was the second lesson of our geography. I hope you must have enjoyed this lesson. Okay, see you with the next video. Bye bye.